हेलो गाइस वेलकम बैक तो गाइस उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा तो so गाइस ये जो वीडियो है ये वीडियो बिगिनर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नए हैं उन लोगों के लिए भी है और जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पहले से यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है क्योंकि यहाँ पे अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो जो चीज़ें कवर होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे और गलतियों के बारे में भी बात करेंगे कि जो बिगिनर लोग करते हैं और पहले से बेसिक आप सीख चुके हैं और अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं उन लोगों के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि वो भी कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं तो बिना किसी इंटरव्यू विंट्रोव के वीडियो को शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइजेशन दोनों ही अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है अब कुछ लोग यह सोचते हैं कि स्मार्ट मनी और प्राइजेशन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं तो कर सकते हो जितनी भी चीजें यहां पे मार्केट में सीखोगे उतनी ही चीजें आपके लिए ही यूजफुल होंगी आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो अच्छी रहेगी ठीक है बट एक चीज याद रखना कि आप सभी चीजों को यूज करोगे आप प्राइजेशन को भी यूज करो आप स्मार्ट मनी को भी यूज करो आप इंडिकेटर वगैरह भी यूज करोगे तो सभी चीजें आपको अलग अलग तरीके से कंफर्मेशन देंगी मतलब अलग अलग तरीका कोई बाइंग बताएगा कुछ सेलिंग बताएगा तो चलिए अभी अपन वापस महीने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आते हैं तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें होती हैं सबसे पहली चीज जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में होती है वो होती है बीओ एस ठीक है क्या होता है बी ओ एस बीओ का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले सबसे पहले मैं जो भी चीजें आपको पढ़ाता हूं मेरे जो भी यूट्यूब पर देख सकते हो जाके पहले मैं ड्रॉइंग बोर्ड पर ही समझाऊंगा फिर ही आपको मैं चार्ट पे लेके चलूंगा तो जिससे क्या है कि बोर्ड आपको थोड़ा समझ आ जाएगा तो लाइव में इतनी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है चार्ट पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी सॉरी चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे मैं एक लाइन दिखेज देता हूं अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन बी ओएस से ठीक है बी ओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलने से क्या समझ में आ रहा है ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरीके से होता है एक तो हायर हाई high को ब्रेक करके न्यू हायर हाई हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई ठीक है अब ट्रेंड में ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कितनी तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं ठीक है मेनली अगर बात करें तो मेनली तो दो ही होते हैं बट तीन होते हैं ठीक है ठीके? तीन कौन कौन से होते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवाइज ठीक है यहाँ पे अपन बात करते हैं अप ट्रेन और डाउन ट्रेन के बारे में साइडवाइज अपन काउंट नहीं करेंगे अब ट्रेन ट्रेन ठीक है अब ट्रेन में जब मार्केट जाता है तो कौन सा पॉइंट बनाता है मैं आपको बताता हूँ बी को पहले हायर हाई से हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है लोअर लो को ब्रेक करके क्या बनेगा गाइस न्यू लोअर लो न्यू लोअर लो ठीक है ये कौन से ट्रेंड में होता है ये आपका डाउन ट्रेन में होता है ये डाउन ट्रेन में हो गया ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि दो तरह के ट्रेंड है अप ट्रेन और डाउन ट्रेन अब मैं आपको बना के बताता हूँ ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो देखो प्राइ एशियन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो ठीक है यहाँ पे हाई बनाया लो बनाया हायर हाई हायर हाई राई से हायर हाई जैसे कि यहाँ पे हाई है ठीक है और ये आपका हायर हाई है ठीक है और ये हायर लो पॉइंट था ठीक है यहाँ पे हायर लो पॉइंट अब यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर हाई से हायर हाई ये क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैसे ही डाउनसाई की तरफ लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोवर लो लोअर लो लोअर हाई पॉइंट कैसे बनेगा लाइव चार्ट में कैसे बनेगा लोवर लो low बनेगा लोअर हाई लोअर लो ये क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हायर हाई high को ब्रेक करके हायर हाई लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोवर लो अगर मार्केट हायर लोवर लो को बना के हायर हाई क्रिएट करता है इस हाई पॉइंट को ब्रेक करके नया हायर हाई क्रिएट करेगा ये मार्केट तो यहां पे आपका चोच हो जाएगा वो भी अपन बात करेंगे अभी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर ठीक है बीओस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कैसे होगा हायर हाई को ब्रेक करके हायर हाई लोवर लो को ब्रेक करके न्यू लोवर लो ये आपका बीओस होगा दो कंडीशन में ही बीओस होता है ठीक है तो यहाँ पे ये यह क्लियर हो गया आपको आगे चलते हैं भी अपन इसके अलावा नेक्स्ट जो स्मार्ट मनी में बनता है वो बनता है आपका रिसेंट हाई रिसेंट लो ओके ठीक है मैं आपको कैंडस्टिक बना के बता दूं बीओस को देखो कैंडस्टिक अगर मैं बना के बताऊं आपको तो यहां पर अप को देखो जैसे कि मान लो कि एक लेवल केट हुआ ठीक है अब लेवल केट हुआ तो मान लो इसके अंदर वीक है इस तरह वीक है अब मार्केट ने यहां से पुल बैक लिया क्या बनाया हायर लो फिर मार्केट ने बनाया हायर आई मार्केट ने यह बनाया आपका ठीक है हायर आई अब ये हायर हाई कब बनेगा एक इस वीक के ऊपर प्रॉपर टू ओ सी कैंडल क्लोज होनी चाहिए ठीक है क्या होनी चाहिए अपन स्ट्रक्चर ये जो बी ओस है इसको कौन सा टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको देखेंगे अपन टू ओअ पे ओके इसको देखेंगे अपन टू ओर्स पे इसको मैं लिख देता हूं यहां पे टू ओस पे ही अपन बी ओ इसको देखेंगे तो यहां पे क्या है इससे लोअर टाइम फ्रेम क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि जैसे कि आपका ये मान लो कि वन हाउस कुछ लोग वन हाउस यूज करते हैं थर्टी मिनट होते हैं तो वन हाउस पे क्या होता है कि कैंडल बाहर की तरफ क्लोज हो जाती है बट टू हाउस पे क्या होता है कि एक और कैंडल चल रही होती है वो अंदर आ जाती है तो टू हाउस पे आपको कुछ इस तरह दिखेगी कैंडल वहां पे आपको टू ऑर्स रिजेक्शन वन हाउस पे कैंडल बहार की तरफ क्लोज मिलेगी ठीक है ग्रीन वाली बट टू ऑस पे वो रिजेक्शन लेके अंदर आ जाएगी ठीक है मतलब अगर बना के बताता हूँ मैं कुछ नहीं समझ में आया होगा जैसे कि बद्धे हो यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कैंडल वन हाउस पे इस तरह क्लोज हो गई ठीक है अब वन ऑर्स पे पे कितनी कैंडल होती है टू ओउ पे दो कैंडल होती है ठीक है दो कैंडल वन हाउस की दो वन हाउस की आपकी दो कैंडल मिलकर टू ऑर्स की एक कैंडल होती है ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि ये कौन सा स्टक्चर है वन हाउस अब यहाँ पे क्या है कि दूसरी रेड कैंडल नीचे आ जाती है इस तरीके से इस तरीके से नीचे आ जाती है तो यही कैंडल यही कैंडल आपको टू पे कुछ इस तरह दिखेगी सही बात है दिखेगी ना ये होता है इसलिए अपन अपन क्या करेंगे अपन -ोसी, टू -ोसी यूज़ करेंगे सिर्फ सी यूज यहां पे बात करते हैं कि बीओ कैसा होगा तो इस वीक के ऊपर प्रॉपर टू ओ सी कैंडल जब क्लोज हो जाएगी यहाँ पे इस वीक के ऊपर अगर वीक नहीं है तो बॉडी पे यहाँ पे वीक है तो इस वीक के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज हो गई टू ओर्स की अगर रिजेक्शन लेके अंदर चली जाती है वीक मार जाती है इस तरह इस तरह वीक बन जाती है जैसे मान लो ऊपर गई नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक नहीं हुआ है आपको प्रॉपर कैंडा क्लोज चाहिए जैसे यहाँ पे टोर्स की कैंडा क्लोज हो गई आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया ये आपका बीओ एस के ला गया समझ गए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैसे यहाँ पे कैंडल डाउस की तरफ लोअर लो लोअर हाई लोअर लो की तरह ठीक है कैंडल वहां पे भी क्लोज होनी चाहिए बना के बताऊँ बना के बता देता हूँ ठीक है थोड़ी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी बट आपको सीखने को कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा ठीक है बना के बताता हूँ जैसे कि यहाँ पे ये लो बनाया ठीक है लो बनाया लो बनाने के बाद में मार्केट यहाँ पे हाई बनाने गया लोअर हाई ठीक है और यहाँ पे लोअर लो low. अब लोअर लो low जैसे मान लो इसके अंदर वीक है रेड कैंडल में तो इस वीक के नीचे प्रॉपर टू ओस की रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए यहाँ पे इस तरीके से तब जाके ये आपका बी ओ एस बनेगा बी ओ एस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बात करते हैं अब आगे चलते हैं अपन ठीक है नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखने वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया अपना इसके अलावा नेक्स्ट होता है रीसेंट हाई रिसेंट लो रीसेंट हाई रिसेंट लो ठीक है अब रिसेंट हाई रिसेंट लो क्या होते हैं तो रिसेंट हाई रिसेंट लो का मतलब होता है ऐसे पॉइंट पॉइंट जो ब्रेक होंगे तो चोच कर सकते हैं मार्केट में जैसे कि यहाँ पे देखो ये अपट्रेंड है हायर हाई हायर लो हायर आइए ठीक है यहाँ पे क्या है हायर हाई हायर लो हायर हाई ये कैंडास्टिक हायर हाई हायर लो हायर हाई ठीक है तो यहाँ पे इसमें ये जो पॉइंट है मैं पीछे वाले को हटा देता हूँ ठीक है ये भी हटा देता हूँ थोड़ा आपको ड्रॉइंग क्लियर दिखेगी ठीक है यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ ओके यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर लो ठीक है लोअर हाई ठीक है लोअर लो वैसे यहाँ पे देखो मार्केट में आ, हायर हाई हायर लो और हायर हाई सही है तीनों पॉइंट दोनों ट्रेन क्लियर है अपट्रेन और डाउन ट्रेन ठीक है अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि ये जो हायर लो पॉइंट है और ये हा, लोअर हाई पॉइंट है अब यहाँ पे अप ट्रेन की अगर बात करें तो अप ट्रेंड में इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ब्रेक होने पे चोज कर सकता है क्या होता है चोच का मतलब चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड को चेंज करना तो यहाँ पे अगर बात करें मान लो कि स्मार्ट मनी को, को साइड में रख दो प्राइजेशन पे आ जाओ अगर प्राइजेशन की बात करें तो मार्केट जो है यहाँ पे क्या है कि हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट करता हुआ जा रहा है अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना है तो कौन सा पॉइंट ब्रेक करेगा ठीक है यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसको अगर ब्रेक नहीं करेगा इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं करेगा तो ये क्या है आपका हायर लो के अंदर ही होगा ये ठीक है मान लो यहां पे ऊपर इस तरह ऊपर चला जाता है ये हायर लो ही कहलाएगा बट अगर मार्केट को डाउनसाई की तरफ जाना है तो कौन सा पॉइंट ब्रेक करना पड़ेगा सीधी बात है ये वाला ट्रेंड को चेंज करना तो ये वाला ब्रेक करना पड़ेगा ना हायर लो और ये हाई का लो पॉइंट है ये जो आप एल का मतलब समझ रहे हो एल का मतलब क्या होता है एल का मतलब तो लो होता है ना तो ये क्या है ये लो पॉइंट है मतलब हाई पॉइंट हाई का मतलब क्या है कि अप ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा मतलब हाई बनाता है ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसके नीचे इसके आगे लगता है एच एच का का मतलब होता high, का मतलब होता होता है है हाई एल लो तो ये कौन सा पॉइंट है हाई का लो पॉइंट है मतलब ये कहलाता है रिसेंट लो समझ में आया अब बात कर मैं लिख देता हूं यहां पे रिसेंट हाई जब मार्केट में रिसेंट हाई कब बनता है रिसेंट हाई आपका बनेगा डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ब्रेक होगा तो चोच कर सकता है लोअर हाई पॉइंट ठीक है लोअर हाई जो पॉइंट है वो अगर ब्रेक होगा मार्केट में तो चोच हो सकता है इसीलिए ये कहलाएगा आपका रिसेंट हाई ठीक है वैसे ही डाउन आपका रिसेंट लो रिसेंट लो की बात करें तो ये आपका बनता है अप ट्रेंड में ठीक है मैं बना के आपको आ, एक बार बता दूंगा डाउन अप ट्रेंड अप ट्रेंड में बनता है हायर लो पॉइंट हाइर लो पॉइंट ठीक है लो पॉइंट क्या कहलाता है लो हाई क्या कहलाता है लोअर हाई पॉइंट ये डाउन ट्रेंड में कहलाता है बात करें यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई की तो हायर हाई high से हायर हाई high बनाया ये जो पॉइंट है ये अगर ब्रेक हुआ तो आपका स्मार्ट मनी में चौच हो सकता है तो ये आपका रिसेंट लो कहलाएगा वैसे ही कैंडल क्लोज होना आपका क्या है ज़रूरी है कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती है अगर मान लो वीक बना रही है इधर इससे मतलब नहीं है इस कैंडल के नीचे आपको कैंडल क्लोज चाहिए टू उसकी तब जाके आपका चोज खेलाएगा बात करेंगे अभी अपन अभी यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके बारे में बट अभी आपको रिसेंट हाई रिसेंट लो समझ में आ गया कुछ भी नहीं है ऐसे पॉइंट देखने जो पॉइंट जिस कोई भी ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो ठीक है डाउन ट्रेंड हो आपको सिंपल इतना देखना है जैसे अप ट्रेंड है तो ये जो पॉइंट है ये ब्रेक हुआ तो चोच हो सकता है इसलिए ये रिसेंट लो वैसे ही डाउन साइड की तरफ लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ये अगर पॉइंट ब्रेक हुआ तो चोच हो सकता है इसलिए ये आपका कहलाएगा क्या कहलाएगा रिसेंट हाई समझ में आ गया चलिए आगे चलते हैं ठीक है पर, मैं आपको चार्ट ले जाकर बताऊंगा बट ड्राइंग बोर्ड पर जितना इजी लगता है समझ लो ठीक है जितना आपको समझना है यहाँ पे समझ लो क्योंकि चार्ट पे थोड़ी बहुत जो होती है वो डिफिकल्टी होती है क्योंकि वहां पे लाइव चल रहा होता है मार्केट ठीक है वो जितना आपको बैक टेस्ट में दिक्कत आएगी उससे दुगुनी दिक्कत आपको लाइव चार्ट पे भी आएगी ओके बात करते हैं अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अपना क्या क्या अपन ने बीओस पढ़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है हायर आई से हायर आई लोवर लो से लोवर लो कैंडल क्लोज होनी चाहिए रिसेंट हाई लो ऐसे पॉइंट जो ब्रेक होंगे तो चोज कर सकते हैं जैसे अपसाइड की तरफ हायर लो पॉइंट रिसेंट लो कहलाता है और डाउनसाइड की तरफ हायर लोअर हाई पॉइंट आपका रिसेंट हाई कहलाता है सिंपल ठीक है अगर आपको रिसेंट हाई रिसेंट लो नहीं भी बोलना है ना तो आप इतना याद रखो कि अप ट्रेंड में आपने प्राइजेशन तो पढ़ाई ही है हाईर हाई high बनाता है मार्केट तो हायर लो पॉइंट ब्रेक हुआ तो चोच हो सकता है लोअर हाई पॉइंट आउटसाइड की तरफ लोवर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई पॉइंट अगर ब्रेक हुआ तो चोच होता है आपको इतना ही याद रखना है सिंपल ठीक है और कैंडल ये जो कैंडल है जैसे कि मैं आपको बना के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट जब चोज करना है तो इसको नीचे की तरफ आके प्रॉपर इसके नीचे कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी यहाँ पे अगर मान लो कि मार्केट इस तरह विक बना के अंदर आ जाता है जैसे नीचे जाता है अंदर आ जाता है विक मार जाता है तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है कुछ लोग क्या करते हैं इसको स्ट्रक्चर मानते हैं चोच मानते हैं और यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं नहीं करना है आपको अपन टू ओस यूज़ करेंगे तो टू ओस पर क्या है कि कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज होगी इस तरह कैंडल क्लोज होगी तब जाके अपन यहाँ पे ये पी वाई बना के सेल करेंगे

ठीक है रिसेंट हाई रिसेंट लो आपके ब्रेक होंगे तो मार्केट में चोज हो जाएगा आपको अभी मैंने पढ़ा है रिसेंट रिसेंट हाई लो क्या होते हैं मार्केट में लोअर हाई अप ट्रेन में जा रहा है मार्केट तो हाईर लो डाउन ट्रेन में जा रहा है तो लोअर हाई पॉइंट ब्रेक हूँ तो चोच हो सकता है ठीक है एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में चेंज होना चोच के आता है बता दूं यहां पे बना के देता हूं जैसे कि मार्केट हायर हाई बनाया ठीक high है हायर हाई है यहाँ पे ठीक है ये भी हाई पॉइंट है हायर हाई है और ये हायर लो पॉइंट है अगर ये हायर लो पॉइंट ब्रेक होगा तो मार्केट में चोच हो सकता है वैसे ही डाउन साइड की तरफ है लोअर लो से लोअर लो low, ये पॉइंट कौन सा है ये लोअर हाई पॉइंट है तो ये आपका कहलाएगा रिसेंट हाई अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में अपसाइड की तरफ ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो सिंपल इतना ही आपको याद रखना है ठीक है देखो बी और चोच में कुछ भी फर्क नहीं है बी और चोच अगर आप इस तरह अगर ये चोच होता है जैसे हायर हाई बना रहा है इसको अगर आप चोच भी इसको आप बी भी बोल दोगे जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका क्या हुआ हायर हाई से हायर हाई बी बी ओ एस ठीक है हाई रईस हाईर आई बी ओस अब इसको भी आप बी ओ एस बोल सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप इसको चोच बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसको बी आपको समझ में आना चाहिए ये यूट्यूब का जो यूट्यूब की दुनिया जो है यूट्यूब की जो स्मार्ट मनी कौन से जो आपको पढ़ाती है ठीक है ये आपको अलग अलग तरीके से आपके माइंड को क्या करेगी कन्फ्यूज़ करेगी ठीक है तो आपको इतना याद रखना है जो भी चीजें आपको ईजी लगती हैं आपको उतना ही करना है ठीक है आपको उतनी ही चीजें याद रखनी है ठीक है जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है रिसेंट आई लो कोई दिक्कत नहीं है आप प्राइजेशन के हिसाब से याद रखो ठीक है बीओ समझ में नहीं आ रहा चोच समझ में नहीं आ रहा तो बी याद रखो क्योंकि स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे भी टू ओ कैंडल नीचे की तरफ क्लोज चाहिए ऊपर की तरफ भी कैंडल क्लोज चाहिए तो मतलब तो कुछ बनता ही नहीं है आप चोच बोलो बी बोलो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आपको समझ में आना चाहिए ओके okay, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक लास्ट अपोजिट कैंडल होती है ठीक है मैं आपको बना के बताता हूँ जैसे कि यहां पे अगर बात करें मैं अपसाइड की तरफ बनाकर एक ही स्ट्रक्चर बनाता हूँ जैसे कि अपसाइड की तरफ मार्केट गया जाने के बाद में मार्केट ने पुल बैक लिया ठीक है अब मार्केट कितने पॉइंट बना चुका है हायर हाई हायर लो बना चुका है अब हायर हाई क्रिएट करना है तो इसको इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी जैसे मान लो इसके अंदर वीक है तो इस वीक के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज चाहिए अपने को टू ओर्स पर जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और प्रॉपर कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे इस वीक से ये ऊपर की तरफ आपकी कैंडल क्लोज हुई ये आपका क्या हो गया सर ये आपका हो गया बी ओ एस ठीक है यहाँ पर लाइन थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई जैसे कि यहाँ पर मैं इसको लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ इसको नाम देता हूँ बी ओ एस बी ओ एस बी ओ एस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आपको बाय करना है मार्केट में ठीक है तो बाय करोगे तो यहाँ पे क्या है कहाँ तक मार्केट आना चाहिए तो लास्ट अपोजिट कैंडल पी ओ का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इसको अपन ड्रॉ करेंगे हायर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम कौन सा होगा जो आप बी ओ एस वाला यूज करते हो टू ओ एस पीओआआई का जो टाइम फ्रेम होगा आपका होगा हायर टाइम फ्रेम एच टी एफ एच टी एफ का मतलब होता है टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे अपन टू ओअर्स ओके यहाँ पे अगर बात करें बी की तो लास्ट अपोजिट कैंडल पीओआआई को कैसे ड्रॉ करना है तो पीओआआई जब आप ड्रॉ करोगे तो पीओआई को आप ड्रॉ करोगे लास्ट अपोजिट कैंडल लास्ट अपोजिट कैंडल किसके अपोजिट ये भी तो जरूरी है लास्ट अपोजिट किसके अपोजिट ट्रेंड के ट्रेंड अपोजिट ठीक है अगर बात करें यहां कि जैसे कि अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर हुआ मतलब कौन सा ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है ठीक है अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के अपोजिट कैंडल कौन सी होती है ठीक है अप ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड में जाता जाता मार्केट तो ग्रीन बना तो जाता है। ग्रीन कैंडल कैंडल है की अपोजिट कौन सी होती है रेड होती है तो यहां पे क्या है कि ये जो रेड कैंडल है अपोजिट इसको आप ड्रॉ करोगे ये आपकी कहलाएगी पीओ आई जो स्मार्ट मनी कोचे को पहले से यूज कर करे वो भी कभी कभी गलती कर देते हैं कि जैसे मान लो कि इस तरह रेड कैंडल जो होती है इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे सही है ये कैंडल पी सही है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीओस हो चुका है बीओस ने कैंडल बाहर की तरफ क्लोज कर दिए इससे पहले अपने को चाहिए इसके बाद की के जो कैंडल होती है उससे अपने को कोई भी मतलब नहीं है मार्केट को सिंपल इतना नीचे आने दो ठीक है यहाँ पे नीचे नीचे आएगा मार्केट ठीक है नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे बाय करना है ठीक है पाई कैसे करोगे तो उसके लिए आपको ओबी का यूज ओबी ओबी का वेट करना पड़ेगा ठीक है अब पीओई तो हो गया ओबी क्या है तो ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ठीक है अब ऑर्डर ब्लॉक को कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है तो करेंसी पेयर अगर आप यूज कर रहे हो ठीक है तो 3 मिनट यूज करना है ठीक है और गोल्ड यूज कर रहे हो तो 1 मिनट यूज करना है गोल्ड यूज कर रहे हो तो वन मिट यूज करना है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह यूज करना है और ये क्या मिनट थ्री मिट क्या यूज करना है, ये बताता हूँ मैं आपको जैसे कि यहाँ पे टू ओ सी क्लोज हो गई अब टू ओ सी क्लोज हो गई आपने पीआई डो कर ली जैसे ही मार्केट पी आई के अंदर आ रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरह होगा सर ठीक है लोअर टाइम फिर भाई आपको बीच में चोच वगैरह भी मिलेंगे इससे मतलब नहीं है जैसे ही पी के अंदर आता है ओई को टच करिए जैसे ही ऊपर की तरफ जैसे स्टक्चर बेके आपको यहाँ पे भी रिसेंट हाई रिसेंट लो पे ध्यान रखना है कि जैसे कि स्टक्चर बेके है, रिसेंट हाई ये हो गया अब मैं आपको रिसें का मतलब बताता हूँ रिसेंट का मतलब ये होता है कि जहां पे प्राइस चल रही होती है जैसे रिसेंट लो ये है जैसे ही मार्केट ने नया स्ट्रक्चर क्रिएट करा रिसेंट ये हो गया फिर लो फिर नया स्ट्रक्चर रिसेंट लो ये हो गया जब एक स्ट्रक्चर से नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा यहाँ पे हायर हाई से हायर हाई रिसेंट लो ये फिर नया हायर हाई से हायर लो हायर हाई फिर आपका स्ट्रक्चर बेक रिसेंट लो ये हो जाएगा ठीक है तो एक स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा नया क्रिएट होगा तो आपका रिसेंट हाई रिसेंट लो चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक रिसेंट हाई ये हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक रिसेंट हाई ये हो गया ठीक है वो रिसेंट हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है थ्री मेड यूज करोगे जैसे कि यूरो यूज आपका एनजेड डी यूएस डी ठीक है ये जो भी आपके चार्ट है इसके ऊपर आपको यूज करना है थ्री मिनट ठीक है और गोल्ड है तो वन मिनट गोल्ड है तो जैसे ही पी के अंदर आता है आप वन मिनट पे जाओगे रीसेंट हाई जैसे ही ब्रेक होता है आपका ऊपर की तरफ चोच करेगा ये रीसेंट हाई ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर ठीक है ठीके? मतलब क्या है कि अपन लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट इसलिए करते हैं ओबी इसलिए वेट बन, वेट करते हैं ओबी का क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इस पी में आता है वो चोच करता ही नहीं है और मार्केट जो होता है नीचे की तरफ चला जाता है तो आपका एसेल जो होता है वो सेफ हो जाता है बाहर के जो लोग हैं पी ओ आई और ओ बी दोनों में क्या है वो हमेशा ओ बी को ही बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं ठीक है थीके? इसलिए मेरे चैनल पे आप जो देख रहे हो आप प्रोपर्शन ब्लॉक रिक्लिंग ब्लॉक वैक्यूम ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक ठीक है और ये सारे जो ब्लॉक हैं ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नाम दिया गया है क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं अपन ने यहाँ पे समझने के लिए पी ओ आई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हायर टाइम फ्रेम ओबी लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करा है बट दोनों का मतलब एक ही होता है ओके चलिए आगे चलते पेपर यहाँ पे क्या है कि जब पी के अंदर मार्केट आएगा उससे पहले ये जो चोज कर रहा है इससे मतलब नहीं है जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक रिसेंट हाई ये हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक आपका रिसेंट हाई ये हो गया करेंसी पे है थ्री मेड गोल्ड वन मेड ठीक है और क्रिप्टो भी वन मेड जैसे ही स्ट्रक्चर आपका ब्रेक अब्सा की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपका चोच हुआ आपने लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी बनाओगे यहाँ पे लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी कैंडल ब्रेक करिए ऊपर की तरफ ग्रीन अपोजिट कैंडल रेड जो भी रेड कैंडल होती है मैं बना देता हूँ यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल इसको ड्रॉ करोगे और इसके अंदर जैसे ही मार्केट आता है आप यहाँ पे बाय करोगे ओके समझ गए ठीक है क्या क्या पढ़ा है मैंने आपको स्मार्ट मनी कौन से बी ओ BOS का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंट हाई लो रिस हाई लो क्या होते हैं अप ट्रेंड में जाता है मार्केट तो कौन सा पॉइंट हायर लो डाउन साइड में जाता है तो लोअर हाई पॉइंट आपका कहलाता है चोज कर सकते हैं मतलब ये पॉइंट ठीक है वैसे ही चोज का मतलब क्या होता है चोज का मतलब चेंज ऑफ करेक्टर ट्रेंड को चेंज करना कैसे होते हैं रिसेंट हाई लो ब्रेक होते हैं तो चोच होता है पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम ठीक है ओबी लोअर टाइम फ्रेम करेंसी फेर है थ्री मिनट पीओआई के अंदर जब मार्केट आएगा ना ओबी बनेगी याद रखना कि मान लो ये पी आई डोरी इसके अंदर जब मार्केट आएगा उसके बाद में जब ऊपर की तरफ चोज करेगा तभी ओबी बे

ओके गाइस अपन चार्ट पे आ गए तो गाइस ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये गोल्ड का चार्ट है तो कुछ एग्जांपल अपन गोल्ड में भी देखेंगे कमोडिटी में भी देखेंगे और करेंसी पेयर में भी देखेंगे ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं अपन गोल्ड से तो यहाँ पे एक चीज़ कि कुछ लोग जो होते हैं एडवांस लेवल वाले भी होते हैं मतलब पहले से जो स्मार्ट वनी कौन से कोई यूज़ करते हैं वो भी ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं दो दो कैंडल जो होती है उसको भी स्ट्रक्चर मानते हैं इसको भी बी मानते हैं और इसको भी पी मानते हैं वो ड्रो करके ट्रेड लेते हैं ठीक है ये गलती नहीं करनी है इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर इस वीडियो के बाद में ही वीडियो है वो अगर आप अभी चैनल में ये जो वीडियो देख रहे हो तब तक शायद वो वीडियो आ भी चुकी हो तो आप चैनल को सिंपली चेकआउट कर लेना इसके ऊपर वाली जो वीडियो होगी मार्केट स्ट्रक्चर वाली उसको आप देख लेना जिससे कि आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा ओके तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है हायर हाई low को ब्रेक करके न्यू हायर हाई लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट किस तरह जाना चाहिए इस तरह जाना चाहिए मतलब मार्केट इस तरह जाना चाहिए हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई इस तरह जाना चाहिए यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखो मार्केट ने पे हाई बनाया लो बनाया हायर हाई क्या है ये एक आपका हाई पॉइंट है ओके मिनट ये आपका हाई पॉइंट है फिर पुल बैक लेके हायर लो हायर हाई ओके यहाँ पे कुछ लोग इसको भी चोच बनाते हैं ये गलती नहीं करना है आप आगे वाली वीडियो देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर हाई से हायर हाई क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बीओस हो गया मतलब कैसे बीओस ओस होगा बीओस होगा आपका ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये पॉइंट को मैं हटा देता हूँ ये जो पॉइंट है इसको मैं रहने देता हूँ इसको और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट आप मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर वीक है और इसके इसके ऊपर प्रॉपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तब जाके बी ओएस हुआ है। अगर मान लो इस तरह ये वीक लेके मार्केट ये वीक लेके इस तरह वीक बना के नीचे की तरफ चला जाता है तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता प्रॉपर कैंडल क्लोज चाहिए अपने को तो यहाँ पे बी ओ एस ये जो लाइन है बी ओस की इसके ऊपर प्रॉपर बॉडी क्लोज हुई है कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है ये कौन सा बी ओस है ये बॉडी ब्रेकिंग है, मतलब बॉडी ब्रेक कर रही है वीक को बीओस हुआ ओके okay? तो यहां पे बीओस हो गया जैसे ही बीओस होता है आपका रिसेंट लो बन जाएगा पहले रिसेंट लो पहले कौन सा था तो जब स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ था प्रीवियस डाटा में ठीक है ये अंदर वाले एम बी ओस इसके ऊपर भी अपन आगे बात करेंगे आप आगे वाली वीडियो देख लेना जैसे यहां पे ये आपका बीओस हुआ बी होने के बाद में ये इसका क्या है रिसेंट लो है सही है ठीक है अब रिसेंट लो ये फिर मार्केट में बीओस हुआ तो रिसेंट लो आपका ये हो गया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लेके ब्रेक करा हायर लो पॉइंट कौन सा है पहले जब बीओस हुआ तो था तो हायर लो पॉइंट ये था बट जब नया बीओस हुआ तो हायर लो पॉइंट ये कहला गया तो ये आपका रिसेंट लो हायर लो मतलब वो लो पॉइंट है तो रिसेंट लो ये आपका हो गया मैं लिख लेता हूं यहां पे अगर आपको तो समझ में नहीं आ रहा ये रिसेंट लो हो गया ठीक है अब रिसेंट लो रिसेंट लो बन गया अब आपकी बनती है पीओआआई POI का मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से टाइम फ्रेम पे बनती है Higher time frame पे पे कौन सी कैंडल होगी जैसे की तरफ कौन सी होगी तो यहां पे देखो ये जो last channel आप देख, red देख रहे हो पीओआई आपकी हो गई पीओआई अब पीओआई बनने के बाद में जब मार्केट पीओआई के अंदर आएगा तो अपन जाएंगे थ्री मिनट और वन मिनट पे तो गोल्ड है तो कौन सा टाइम फ्रेम करोगे वन मिनट बट यहाँ पे शायद डाटा इतना पीछे नहीं जाएगा बट मैं ट्राई कर लेता हूं जैसे यहाँ पे पी है अब जैसे इस पी के अंदर आता है आपको जाना है एंट्री के लिए एंट्री आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ही लेनी है तो वन मिनट पर चले गए अपन देखो वन मिनट पे आने के बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है तो वन मिनट पे नहीं हुआ थ्री मिनट पे आ गया ठीक है अब थ्री मिनट पे आए तो यहाँ पे देखो क्या हुआ सीन क्या बना यहाँ पे आपको क्या करना है जब पीओ अपनी पी ओ हायर टाइम फ्रेम पी ओ है तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट आएगा तो ये जो चोच वगैरह कर रहा है यहाँ पे आपको बाय वगैरह नहीं करना है ठीक है क्योंकि क्या होता है सबसे ज्यादा जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेप यहीं पर होते हैं वो ट्रेड लेते हैं पंद्रह बीस पे जाता है मान लो पंद्रह बीस पे आपका प्रॉफिट में जाता है उसके बाद में वो उनका जो टीपी पी एस एल हिट होता है तो वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ गेमलिंग हो रही है हम जब ट्रेड लेते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाता है होल्ड है, करते हैं तो क्या होता है होल्ड करते ही तो अपना टीपी हिट नहीं होता है ऐसे लिट हो जाता है और होल्ड नहीं करते तो बाद में टीपी हिट हो जाता है ठीक है ऐसा होता है माइंड सेट सबका ऐसा ही होता है पे ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैं आपको जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ और मेरे यूट्यूब पे जो भी चीज़ें अपलोड है वो एकदम बेसिक है अगर आप स्मार्ट मनी कौन के बारे में सीरियस है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को डीपली जानना समझना चाहते हैं किस तरह वर्क करता है कौन बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो क्लासेज वगैरह ऑनलाइन होंगी आपकी वन ऑन वन होंगी ठीक है ज्वाइन करने के लिए सिंपल स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो ठीक है टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉल करोगे या मैसेज करोगे के ऊपर तो ज़्यादा आपको आपको जल्दी 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 रिप्लाई रिप्लाई मिल लेगा मेरी जो टीम होगी जल्दी से जल्दी करने करने की करने की कोशिश करेगी ठीक है वापस अपने टॉपिक पे आते हैं तो क्या करना है आपको ये जो बीच में पीआई को टच करना जब मार्केट आएगा पीआई को टच करेगा तभी आपको ट्रेड पहले चोच वगैरह करता उससे आपको मतलब नहीं है यहां पे एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जैसे कि स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर आपका डाउनसा की तरफ ब्रेक हुआ ठीक है ब्रेक होने के बाद में आपको रीसेंट हाई रीसेंट लो मार्क करके चलना है ओके स्ट्रक्चर ब्रेक रीसेंट हाई ये हो गया ठीक है फिर आपका स्ट्रक्चर अगर बात करें यहाँ पे इस लाइन को मैं हटा देता हूँ दोनों लाइन को ये लाइन मैंने हटा दी ओके यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ये वाला ठीक है स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ रिसेंट हाई कौन सा होगा ये होगा मतलब क्या है कि लोवर लो लोअर हाई लोवर लो लोअर हाई लोवर लो लोअर हाई लोवर लो अब ये क्या है ऊपर वाला पॉइंट लोअर हाई पॉइंट है मतलब ये कहलाएगा लो का हाई पॉइंट है ये डाउन साइड की तरफ जा रहा है मतलब लो का हाई पॉइंट है तो ये आपका high, high, ये आपका आपका कहलाएगा हाई हाई ठीक है अब हुआ जब एक या चोच होगा तभी आपके पॉइंट चेंज होंगे जैसे यहाँ पे बी हुआ तो रिसेंट हाई ये हो गया ठीक है फिर बी हुआ आपका ठीक है बी हुआ बी होने के बाद में रिसेंट हाई ये हो गया ठीक है अब यहां पे एक चीज नोटिस करने की है कि कुछ लोगों का डाउट होता है कि क्या पीओ को ब्रेक करने बी ओ जब पी ओ होती है जो पी ओई ब्रेक कर देती है उसके बाद चोज करता है कहने का मतलब जैसे मान लो कि पी ओई के अंदर आ रहा है ये पी आई के अंदर आ रहा है बी ओस कर रहा है बी ओस करता हुआ निकल जा रहा है बी ओस करता हुआ निकल जाने के बाद में अगर ये अफसर की तरफ चोज करता है तो क्या यहाँ पर ट्रेड लेंगे क्योंकि पी ओ जो है वो ब्रेक हो चुकी है तो क्या करोगे आप ट्रेड लोगे या नहीं लोगे ये सभी का डाउट होता है ये जो यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी को को पहले से जानते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है ये आपको क्या कौन बताएगा ये आपको बताएगा आपका टू ओवर्स ठीक है अब टू ओवर्स पे किस तरह जैसे कि यहाँ पे देखो अब यहाँ पे पी ब्रेक हो गई ठीक है अब पी ब्रेक होने के बाद में अगर ये अफ्साई की तरफ चोज करता है अगर बात करें यहाँ पे देखो अब रीसेंट हाई यही कहलाएगा आपका ठीक है क्यों कहलाएगा क्योंकि मार्केट ने इसके बाद क्लियर पुल बैक नहीं लिया है अगर मान लो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे मार्केट इस तरह क्लियर पुल बैक लेकर ब्रेक करता तो रीसेंट हाई ये कहलाता बट यहाँ पे, पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे क्या है ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप बेस ड्रॉप मतलब गिरता हुआ जा रहा है एक तरीके से ठीक है मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप का मतलब क्या है एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन की तरह जा रहा है जैसे यहाँ पे देखो एक रेड एक ग्रीन दो रेड ठीक है अब हां एक फिर एक ग्रीन दो रेड फिर मार्केट इस तरह मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप की तरह जा रहा है इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलते हैं एक रेड एक ग्रीन को ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट इस तरह गिरता हुआ जा रहा है तो रीसेंट हाई आपका यही कहलाएगा तो जैसे ही रिसेंट हाई ब्रेक हुआ तो क्या हो जाएगा आपका चोज हो जाएगा तो यहाँ पे अगर बात करें तो रिसेंट हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ ब्रेक होने के बाद में लास्ट अपोजिट आप कैंडल आपने ड्रो कर दी अब लास्ट अपोजिट कैंडल जैसे कि आपको यहाँ पे बाय करना है तो पीओआई ब्रेक हो चुकी है बाय करोगे या नहीं करोगे तो आप क्या करोगे पहले टू हाउस पे जाओगे ठीक है अब टू हाउस पे जाने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका ये जो रिसेंट लो है इसके नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है दिख रहा है आपको देखो ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे क्लोज हो चुकी है रिसेंट हाई रिसेंट लो ब्रेक होते तो क्या होता है आपका चोच होता है तो यहाँ पे क्या हो गया है? कि चोच हो चुका है डांसा की तरफ ये आपका रिसेंट लो ब्रेक हो चुका है मतलब चोच हो चुका है तो चोच हो चुका है तो, चुका है, तो, चुका है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आपको वन मिनट पे आपको बाय नहीं करना है सॉरी थ्री मिनट पे थ्री मिनट ले जाता हूँ थ्री मिनट यूज़ कर रहे थे ना ओके थ्री मिनट पे आपको यहाँ पे क्या करना है बाय नहीं करना है क्योंकि आपका हाँ टोस पे जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है यहाँ पे क्या है कि पीओ को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है अगर यहाँ पे देखोगे तो जब मार्केट यहाँ पे रिसेंट आई ब्रेक हुआ चोच हुआ ऊपर की तरफ ठीक है या, या लोअर टाइम पे ऊपर की तरफ चोच हुआ है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ कि चोच हुआ तो लोग यहाँ पे बाय करते हैं और प्रॉफिट में भी चला जाता है कुछ लोग जो होते हैं स्मार्ट मनी को यूज करके जो अपने प्लान को यूज करके वो जाते हैं तो वो ट्रेड नहीं लेते तो उनका क्या होता है मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिलता उनको इतना ठीक है कितना डॉलर गया था मार्केट एट डॉलर समथिंग कितना डॉलर गया एट डॉलर से भी ज्यादा गया ये कितना गया ट्वेंटी फाइव और इससे भी ऊपर गया ठीक है थीके? बट आपका जो प्लान होता है ना उसको आपको फॉलो करना है चाहे आपका बाद में मार्केट जो है सौ डॉलर चला जाए सौ पिप चला जाए आपको उससे मतलब नहीं है अगर आप प्लान को फॉलो करोगे यहां पे जो लोग यूज़ करते हैं जो अनाधुन मतलब कि अनाधुन मतलब बात करो कहीं पर भी आप ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो वो हमेशा लॉस में ही रहेंगे ठीक है बट अगर आप ट्रेडिंग प्लान को अपने फॉलो कर रहे हो तो आप एंड ऑफ द मंथ ये एक ट्रेड आपकी लॉस में गई एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट अपने प्लान को फॉलो करोगे तब ओके okay, चलिए वापस आते हैं यहाँ पे क्या है कि अपन ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अपना अपना कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि टू ओर्स पे कैंडल क्लोज हो चुकी है अगर मान लो कि टू ओर्स की कैंडल अंदर की तरफ आ जाती रिजेक्शन लेके बना के बताता हूं मैं आपको जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी मैं लेंथ पे काम नहीं करता हूँ वीडियो की ठीक है मुझे ये, मेरा ये ये कॉन्सर्पट्ट होता है कि मैं एक ही वीडियो में आपको सभी चीजें कवर करता हूँ मेरी वो आदत नहीं है कि मार्केट स्ट्रक्चर पे दस वीडियो बना दूंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को दस वीडियो बना दूंगा मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो सभी वीडियो डिफरेंट होंगी उसके अंदर ऐसी चीज नहीं होगी कि पहले पढ़ा दिया वही नहीं ये नहीं करता मैं ठीक है पहले पढ़ानी वही चीजें इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा वीडियो लेंथी हो जाती चलता फर्क नहीं पड़ता आपको सीखना है तो आप देखोगे नहीं सीखना है तो देखोगे चलिए यहाँ पे क्या है कि टोस की की कैंडल अंदर तरफ क्लोज हो गई है ठीक है बाहर बाहर की की तरफ तरफ क्लोज हो गई अगर मान लो कि ये जाती जाती और अंदर आ जाती, इस तरीके से आपका रिजेक्शन लेके अंदर क्लोज हो जाती और आपको थ्री मिनट पर चोच मिल जाता ऊपर की तरफ ठीक है एक मिनट बना के बताता हूँ जैसे कि मैं इस टो की कैंडल को इधर ले आता हूँ ठीक है अब ये मान लो रेड कैंडल है आपकी ये टो की कैंडल है इसको मैं कर देता हूँ रेड ठीक है रेड रेड मिनट आपकी हो गई बॉर्डर को भी रेड कर देता हूं ओके अब ये कौन सी कैंडल है ये टू ओर्स कैंडल है जैसे ये अपना रिसेंट लो है जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना ये रिसेंट लो है आपका टू ओस का रिसेंट लो ब्रेक हुआ तो चोच हो जाएगा जैसे मान लो कि आपका ये जो चोच हो सकता है आपका रिसेंट लो था टाइम फ्रेम पे ये आपका रिसेंट लो है अब ये रिसेंट लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा बट टूस पे क्या हो गए रिजेक्शन लेके अंदर आ गई कैंडल अंदर आने के बाद में यहाँ पे क्या है कि अगर आपको चोच मिलता है ऊपर की तरफ तो आप बाय कर सकते चाहे हो चाहे पीआई ब्रेक हो चलेगा पीओआई ब्रेक हो गई तो चलेगा आपका रिसेंट लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए रिजेक्शन लेके अंदर आ गई तो भी चलेगा बट अगर बाहर की तरफ कैंडल क्लोज हो गई जैसे टूज पे कैंडल क्या है बाहर की तरफ क्लोज हो चुकी है इस तरीके से ठीक है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है ओके चलिए आगे चलते हैं तो यहां पे क्या हुआ आपका रिसेंट लो ब्रेक हुआ चोच हो गया ठीक है ये कैंडल मटा देता हूं रिसेंट लो ये था ब्रेक हो गया आपका चोच हो गया ठीक है चोच होने के बाद में आपका रिसेंट हाई भी चेंज हो जाएगा पहले ये आपका क्या है पहले अब पहले बीओस हुआ रिसेंट लो हायर हाई ठीक है अब यहां पर डांसा की तरफ चोच हो गया तो अब इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ब्रेक बाद चोच हो सकता है तो बना के बताता हूं मैं आपको ये तो इसका हाई पॉइंट है ये हायर लो पॉइंट है और ये हायर हाई पॉइंट है ठीक है और यहां पे क्या हुआ है? लो को ब्रेक करके न्यू लोवर लो मतलब लोवर लो, 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 मतलब लो ठीक है मतलब चोच हो गया अब चोच हुआ तो अब इसमें सा कौन सा पॉइंट है जो ब्रेक बात चोच हो सकता है तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है आपका ये अगर ब्रेक हुआ वा तो वापस मार्केट में ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा इसीलिए ये कहलाएगा रिसेंट हाई ध्यान से समझो ठीक है आपका बी हो गया ठीक है बी होने के बाद में ये इसका रिसेंट लो बना था और रिसेंट लो बनने के बाद में ये इसका हायर आईपोन बना था ठीक है तो यहाँ पे बी जब हुआ था बी हुआ तो रिसेंट लो बना आपका ठीक है ये आपका बना रिसेंट लो ठीक है अब रिसेंट लो के नीचे कैंडा क्लोज हो गई चोच हो गया ठीक है अब चोच हो गया तो सीधी बात है आपका यहाँ पे ये चोच हो गया तो चोच हो गया तो मार्केट में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ऊपर ऊपर वाले पॉइंट को ब्रेक कर देगा तो ये आपका क्या है ऊपर वाला पॉइंट मतलब हाई पॉइंट है वो तो ये आपका कहलाएगा रिसेंट हाई ठीक है रिसेंट हाई भी कौन सा कहलाएगा ये वाला क्योंकि मार्केट ने पुल बैक लेके ब्रेक कराया तो ये रिसेंट हाई आपका ये कहलाएगा ठीक है आपका रिसेंट हाई ये ठीक है अब यहां पे क्या हुआ वापस रिसेंट हाई ब्रेक हो गया मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है कि आपको चोच मिलेगा ही नहीं अगर बात करूं मैं तो जैसे की तरफ चोच डाउस की तरफ चोच हुआ तो लास्ट अपोजिश कौन सी होती है ग्रीन वाली डाउसा की तरफ ब्रेक हुआ तो रेड होती है अपन यहां पे ग्रीन सेलेक्ट करेंगे ग्रीन हो गई ये क्या है हाई टाइम फ्रेम की पी ओवाई है जैसे ही पीआई में थ्री मिनट पे चले गए अपन वन मिनट यूज करेंगे बट मेरे मेरे यहाँ पे थ्री मिनट इतना पीछे नहीं जाएगा डाटा है नहीं देखो लोग क्या करते हैं कि बैक टेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग का प्रीमियम ले लेते हैं नहीं करनी ही गलती ठीक है बैक टेस्ट आप ऐसे भी कर लोगे बट थोड़ा माइंड लगाओ हो जाएगी बैक टेस्ट यहाँ पे भी यहां पे देखें तो चोच देखो अगर चोच देखें यहां पे अपन तो चोच जो मिला है स्ट्रक्चर जो बेक हुआ लास्ट टाइम ये स्ट्रक्चर बेग हुआ है ठीक है ये रैली बेस रैली की तरह ये बट मार्केट ने पुल बेक लेके ब्रेक कराया तो यहाँ पे रीसेंट लो ये हो गया आपका थीके? फिर आपका की तरफ ये जो अंदर की तरफ ब्रेक हो रहे माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ठीक है आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना चाहते हैं डीपली सीखना चाहते हैं सीरियस सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा वो या टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो वापस कॉन्सेप्ट आते हैं अपन ठीक है तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या स्ट्रक्चर जो है आपका एमबीओ से जैसे अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ब्रेक होने के बाद रिसेंट लो बना आपका ये वाला ठीक है फिर रिसेंट लो ये आपका हायर हाई से हायर है ये क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ आप स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ रिसेंट लो आपका ये हो गया ठीक है फिर आपका अपसाइड अपसाइड हुआ की तरफ लो ये हो गया ठीक है फिर आपका अपसाइड आप की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक लो ये हो गया ठीक है और मार्केट निकल गया यहां पर बीओस किया ही नहीं दिया ही नहीं उसने फिर अपन टोअस पे आते हैं ठीक है टोअस पे आने के बाद में बाहर की तरफ जो कैंडल है वो भी क्लोज हो गई रिसेंट हाई के ऊपर ये हाई था कैंडल क्लोज हो गई वापस ऊपर की तरफ आपका चोच फ्लिप हो गया ठीक है ये वापस ऊपर की तरफ चोच हो गया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ ठीक है अब चोच होने के बाद में आपका यहाँ पे चोच हो गया चोच होने के बाद में मार्केट जो है कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे चोच हुआ आपका ठीक है तो पी तक नहीं आता है ये करते हैं कि पी तक नहीं आया मार्केट पीआई में आता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं वगैरह वगैरह करते हैं तो उनको इतनी सारी चीजें नहीं पता होती है ठीक है पहले आप इनको बेसिक को बेटेस्ट करो पहले मेरे यूट्यूब वाली वीडियो को और सीखना हो तो कॉन्टेट करना ठीक है अभी अपन वापस कोई एग्जाम्पल देखता हूँ जिसके अंदर आपको ये चीजें क्लियर हो जाए तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये आपका अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक क्या हुआ है गाइस यहाँ पे कोई बता सकता है ये अंदर जो ब्रेक हो रहा है ये कौन सा है माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इससे मतलब नहीं है यहां पे हाई बनाया लो बनाया हायर आई ठीक है हाई बनाया लो बनाया हायर आई हायर आई से हायर आई क्या हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी होगी ये जो ग्रीन कैंडल है इसने ब्रेक करा स्ट्रक्चर को तो लास्ट अपोजिट कैंडल ये रेड हो गई इसको ड्रो करा ये अपने क्या है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो बन गया रिसेंट लो भी याद रखना है ठीक है तो रिसेंट लो मार्केट यहाँ पे तो ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पे पुल बैक लेके गया है जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट रुक के पुल बैक लेके ऊपर की तरफ गया तो रिसेंट लो ये हो गया ठीक है ये जो ब्लू नीचे वाली ब्लू लाइन ये आपका रिसेंट लो हो गया ठीक है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ये यह रिसेंट लो हो गया अब यहाँ पे ये पी वाई बनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है कि स्ट्रक्चर ब्रेक के कुछ लोग इसको पी ओई बना लेते हैं ठीक है ये गलती नहीं करनी है ओके क्योंकि स्ट्रक्चर जो ब्रेक की कैंडल है ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज है तो इससे पहले लास्ट अपोजिट कैंडल ग्रीन से अपोजिट रेड हो गई ये रेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पी ओ आई जब पी ओ आई के अंदर आता है थ्री मिनट पर जाओगे ठीक है गोल्ड है तो वन मिनट और करेंसी पे रहता तो थ्री मिनट यहाँ पे मेरा इतना पीछे डाटा नहीं जाएगा तो यहां पे अगर बात करें तो जैसे कि डाउनसाइड की तरफ स्ट्रक्चर यहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक रीसेंट है हाँ ये हो गया ये स्ट्रक्चर ब्रेक बी ओस हुआ रिसेंट हाई आपका ये हो गया जैसे ही रिसेंट हाई ब्रेक हुआ आपका चोच, हुआ। चोच हो गया चोच होने के बाद में लास्ट अपोजिट कर लो आप ड्रॉ कर लोगे ठीक है ड्रॉ करने के बाद में अगर मान लो माइनर फर्क है मार्केट पी के पास में आ गया है थोड़ा सा रह गया यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा रह गया आपको ट्रेड ले लेनी ले है ठीक है दो ट्रेड ओपन करनी है एक ट्रेड थोड़ी सी पहले और पी के अंदर आता ट्रेड ले लेनी है कुछ लोग ये भी करते हैं कि जैसे मान लो कि पी के अंदर आता है आने के बाद में उनका ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे ठीक है अब नीचे जा रहा है लोग बाय 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 ये नहीं करनी है गलती ओके okay, ये नहीं करनी है आपको जब तक आपकी इस ट्रेड का एसेल हिट नहीं होता है तब तक दूसरी ट्रेड ओपन नहीं करनी है दो ट्रेड ओपन करी आपने एक ट्रेड ओपन यहाँ पे कर ली जीरो पॉइंट वन की जीरो पॉइंट वन की यहाँ पे ओपन कर ली एसेल यहाँ पे लगा हुआ है आपको नीचे बाय करना है और नहीं करना है जब तक जब मार्केट नीचे आगे इस एसेल को हिट कर लेता फिर आप नीचे बाय कर सकते हो बाय करना है बट आपको उससे पहले बाय नहीं करना है। एक ट्रेड यहाँ पे ओपन करी दूसरी ट्रेड यहाँ पे आपने बाय करा बाय करने बाद में कितना डॉलर स्टॉप लगा हुए फाइव डॉलर एसेल लगा गोल्ड के अंदर ठीक है और टेन डॉलर टीपी लगाओगे सिंपल मार्केट कितना डॉलर गया था यहाँ से फिफ्टीन डॉलर गया था सिंपल आपको अच्छा आपका जो रिस्क है उससे ज्यादा मतलब एस जो है फाइव डॉलर का तो टेन डॉलर टीपी लो जिससे क्या है कि नेक्स्ट जो ट्रेड है अगर आपका एस हिट भी होता है तो आपका सेफ रहे समझ में आया ओके वापस आते हैं यहां पे क्या क्या देखा अपन ने पीओ ठीक है पीओ देखो सबसे पहले तो हाई से हायर हाई बनाया ये आपका बी हो गया ठीक okay? है बीओस होने के बाद में लास्ट अपोज अपोजिकल कौन सी हो गई पीओआई हो गई ठीक है लास्ट अपोज अपोजिकल मतलब रेड हो गई ठीक है रेड पी ओ हो गई पी ओ आई के बाद में ये रिसेंट लो है अगर मार्केट पी ओ को ब्रेक करता है तो मतलब नहीं है अगर रिसेंट लो को ब्रेक करेगा तो चोज हो जाएगा उसके बाद में मार्केट ने फिर यहां पे आपका ये हायर हाई पॉइंट था इसको ब्रेक करा ठीक है ऊपर की तरफ फिर बीओ इस पी के अंदर आएगा बाय करेंगे ठीक है बट कैंडल क्लोज हो गई अपन ने यहाँ पे बाय नहीं किया था ओके okay, इस तरीके से स्मार्ट मनी कोसे यूज़ किया जाता है तो चलिए अभी अब मैं आपको करेंसी पेड़ पर पे भी ले जाके बताता हूँ ओके जैसे कि यूरो यूएसडी ओपन कर लेता ठीक है जो जो भी चार्ट बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं मैं वही चार्ट आपको बता रहा हूँ जैसे कि यूरो आपका यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देखो सर जैसे ही इसने अफसर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करा था स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में इसकी लास्ट अपोजिट कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो इससे पहले ग्रीन कैंडल की अपोजिट कौन सी होगी रेड होगी तो जो भी रेड कैंडल है ये ग्रीन है इससे पहले ये वाली रेड है इसको ड्रॉ कर लिया है ये आपकी क्या है ये आपकी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये इसका रिसेंट लो है ठीक है अब यहां पे देखो कि रिसेंट लो जो है आपका अगर कंसीडर किया जाए इसको तो रिसेंट लो किसको कंसीडर करोगे आप ठीक है अब मार्केट में जो पोल बैक है इसको लेके यहां पे पोल बैक लेके इसको कंसीडर करोगे या नीचे वाले कंसीडर करोगे किसको कंसीडर करोगे आप ठीक है अपन कंसीडर इसी को ही करेंगे ठीक है आपको इससे नीचे नहीं जाना वो भी क्लियर पुल बैग है बट आपका एक बार मतलब पुल बैग का मतलब ये है कि मार्केट में बायस आए ब्रेक करने गए बट ब्रेक नहीं करवाए फेल्ड हो गए फिर मार्केट में सेलस आए फिर बायस आए फिर सेलस आए फिर बायस आए मतलब पुल बैग यही माना जाएगा आपको ओके तो मैंने जो ड्रॉ करा ब्लू लाइन वही है उसका रिसेंट लो है ओके ठीक है यहाँ पे ये यह उसका रिसेंट लो हो गया ठीक है यहां पे देखो ये रिसेंट लो अब ये जो रिसेंट लो है इसके नीचे जैसे कि मान लो पी आई अगर लोअर टाइम फ्रेम पर मैं जाता हूं ठीक है थ्री मिनट पे आ गया और थ्री मिनट पे आने के बाद में यहां पे देखो अब थ्री मिनट पे यहां पे कैंडल क्लोज होती है उससे मतलब नहीं है टू उसकी कैंडल बार की तरफ क्लोज होनी चाहिए तब जाके जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो स्ट्रक्चर आपका ये ब्रेक हुआ ठीक है ब्रेक होने के बाद में रिसेंट हाई कौन सा है रिसेंट हाई ये है ठीक है जब तक रिसेंट हाई ब्रेक नहीं हुआ ट्रेड नहीं बनेगा वो भी नहीं बनेगा ठीक है ये स्ट्रक्चर ब्रेक रिसेंट हाई आपका ये बन गया ठीक है फिर डाउन साइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक ठीक है स्ट्रक्चर ब्रेक उन्होंने रिसेंट हाई ये बन गया असाई की तरफ चोच हो गया ठीक है जैसे ही चोच हुआ आपने कौन सी अपोजिट कैनल लास्ट अपोजिक कैनल रेड हो गई ठीक है फिर रेड बनी ये क्या है आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम पे पी आई ठीक है क्या है हायर टाइम फ्रेम पे टू ओर्स पे पी आई डो करिए जैसे पी के अंदर आया अपसा की तरफ चोज करा है, यहाँ पे गया है कि पी ब्रेक हो गई बट अपन क्या करेंगे टू ओर्स पे आ गए ठीक है टू ओर्स पे आने के बाद में अगर मान लो कैंडल रनिंग में है तब भी अपन बाय करेंगे अगर रिजेक्शन लेके अंदर आ गई है वो टू ओर्स पे तब भी अपन बाय करेंगे तो यहाँ पे कैंडल अंदर की तरफ क्लोज हो चुकी है अपने लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिलेगी ठीक है बाय मिलती है ओबी के अंदर मार्केट आता है ठीक है जैसे यहां पे बी ओस हुआ रिसेंट हाई है ठीक है बी ओस रिसेंट है रिसेंट हाई ब्रेक हुआ चोच हो गया जैसे ही चोच हुआ लास्ट अपन ने कौन सी बनाई रेड बनाई इसके अंदर आया बाय करा स्टॉप लॉस करेंसी पेर है बीस पीप का गोल्ड है फाइव डॉलर ठीक है यहाँ पे अपन ने ये लगाया बीस पीप का सेल चालीस पीप का टीप है, ठीक है यहाँ पे मार्केट कितने पीप गया है मार्केट सेवन टीम बिप गया ठीक है सत्तर बिप गया और मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर वापस ऊपर की तरफ गया ठीक है तो ये ये क्या मार्केट क्या करता है ये पुल बैक क्यों लेता है क्योंकि जो ब्रेक यून होती है उनको बाहर कर सके ठीक है जो मार्केट में जो आ, ट्रेडर होते हैं उनके माइंड के साथ में खेल सके मार्केट में रुक के तो ये जो वीडियो थी ये आई होप कि आपको समझ में आए होगी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी बट आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा आप सीरियस है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने के बारे में ठीक है क्योंकि देखो ये वीडियो में मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो सीरियस होते हैं वो पैसे देते हैं किसी को बट वो कॉन्सेप्ट कुछ तो स्कैन करके चले जाते हैं कुछ लोग क्या बताते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है वही बता देते हैं बट ये आपसे वादा करता हूँ प्रॉमिस करता हूं कि मेरे जो भी में होगा वो यूट्यूब ना ही मेरे चैनल पर मिलेगा ना ही किसी और के पे मिलेगा तो स्मार्ट मनी के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो सिंपली मेरे कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी जो डार्क साइड ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो मेंटर मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम नहीं है जॉब वगैरह करते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको सेंड कर दी जाएंगे ठीक है जो कि पेड होंगी डीपली जा, जानने समझने के लिए आप सिंपली कॉन्टैक्ट करें जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है ठीक है अगर आप सीरियस है तो, तो ही कॉल करना मैसेज वगैरह करना टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करना ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच